हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज लेकर आई हूँ गर्मा गर्म चना और चना दाल की रेसिपी। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट ये बन के तैयार होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक गिलास जो काला चना होता है, इसे मैंने ओवरनाइट भिगो लिया है। जितना आपकी फैमिली में लगता हो, एक कटोरी लगता है या एक गिलास लगता है। इसके बाद हमें लेनी है चने की दाल। तो ये करीब होगा 100 ग्राम की कटोरी होगी। तो इसमें मैंने भर के चने की दाल ली है। इसमें आपको चने की दाल ज़्यादा ही लेनी है, थोड़ी नहीं लेनी है। और ये मॉर्निंग में भिगोनी है चने की दाल, ओवरनाइट नहीं भिगोनी है चने के साथ। तो इसे केवल अच्छे से हम वॉश कर लेते हैं। चने की दाल को हमें भिगोने के लिए नहीं रखना है, केवल चने के साथ धो के इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं स्वाद अनुसार नमक। और जैसे मैंने एक गिलास यहाँ चना लिया था, तो यहाँ 3.5 गिलास मैंने पानी लिया है। और इसमें 5 से 6 हमें सीटी लगा लेनी है। पहली सीटी हाई फ्लेम पे लगाइएगा और बाकी की सीटी लो फ्लेम पे लगा लीजिएगा, तो आपका चना बहुत अच्छे से पक जाएगा। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, थोड़ा अदरक और 2 से 3 आप हरी मिर्च ले सकते हैं। इसे आप मिक्सी ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। मुझे इस तरीके से ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है चने में। तो यहाँ टमाटर भी मेरा कट चुका है और यहाँ चना भी उबल चुका है, देख लेते हैं। सारी ही तैयारी अधिकतर हो चुकी है, बस इसको फ्राई हमें किस तरीके से करना है वो मैं अभी आगे बताने वाली हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छे से उबल चुका है। तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। किसी भी कढ़ाई में, भगोने में, कुकर में, किसी में भी आप सरसों का तेल ले लीजिएगा, 2 तेज़पात के पत्ते, हल्का सा मैंने खड़े मसाले लिए हैं, जैसे 2 से 3 काली मिर्च ले ली, लौंग, 1 बड़ी इलायची और टमाटर को ऐड करके इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लेते हैं, ताकि टमाटर जो है उसका कच्चापन दूर हो जाए। मसाले हम बाद में ही डालेंगे जब थोड़ा टमाटर पक जाएगा। तो इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च थोड़ी सी ली है मैंने यहाँ, कश्मीरी लाल मिर्च, और इसे भी मिक्स करते हुए भून लेते हैं। ये सब्ज़ी बहुत फर्स्ट क्लास बन के तैयार होती है। अभी तक क्या किया है आपने, काले चने में या तो आलू मिलाया है, काला चना और आलू इस तरीके से बनाया है, या खाली काला चना बनाया है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट ये बन के तैयार होती है। तो यहाँ मसाला आप देख सकते हैं, ऑयल अलग हो चुका है। तो यहाँ 3 से 4 चम्मच मैंने बिल्कुल ताज़ा दही लिया है और इसे भी मैश कर लेते हैं। काला चना जब भी बनाएं, छोला बनाएं या राजमा, दही का यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा इसमें आपको फ्लेवर मिल जाएगा। तो दही मिलाकर भी अच्छे से भून लेते हैं, ताकि ऑयल हमारा अलग हो जाए। जब मसाला अच्छे से भुन जाए, तो इसमें चना और चने की दाल ऐड कर लेते हैं। पानी का हमें कहीं यूज़ नहीं करना है, पानी हमारा इसमें परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना तो ये गाढ़ा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा ये पतला बनाया जाता है। तो इसे 10 से 15 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं पकने के लिए छोड़ूंगी, क्योंकि छोले या राजमा या काले चने जितना पकेंगे उतना बढ़िया है, कढ़ी वगैरह जैसे हम पकाते हैं, लेकिन पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। और आप देख सकते हैं पहले से गाढ़े हो चुके हैं, क्योंकि हमने चने की दाल डाली है। इसे आप चाहो तो थोड़ा चमचे की हेल्प से, कलछी से थोड़ा दबाते हुए मैश कर सकते हो। ये इस तरीके से थोड़ा मैश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा मैश करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने जो चने की दाल डाली है वो अपने आप से ही मैश हो जाएगी। इसमें अब ऐड करूँगी थोड़ा सा काला नमक और 1/2 टीस्पून यहाँ लूँगी अमचूर पाउडर, और इसे मिक्स कर लेते हैं। और आप देखिए कितने फास्ट तरीके से ये सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। तो इसमें केवल हमें तड़का लगाना है। तो तड़का किस तरीके से लगाना है, यहाँ 2 से 3 चम्मच मैंने देसी घी लिया है, इसमें बारीक कटा हुआ अदरक, आप चाहो तो अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे को ये ज़्यादा पसंद आता है। हरी मिर्चें भी यहीं ऐड कर लेते हैं, गरम मसाला, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें यदि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। और ये इस तरीके से हम तड़का लगा लेते हैं। ऊपर से डालेंगे हरा धनिया। तो इसे आप फुलके के साथ, पानी के हाथ की रोटी के साथ या पराठे के साथ, फिलहाल मैंने आज यहाँ चावल बनाए हैं क्योंकि मेरी फैमिली में इसे चावल के साथ बहुत पसंद किया जाता है।
तो आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि चना हमारा अलग है, पानी हमारा अलग है, बहुत ही फर्स्ट क्लास ये सब्जी बनके तैयार होती है। तो आपको थोड़ी भी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल सुबह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।